अरे संभल कर भैया, शिवरात्रि के पंडाल का सामान है। और सुनो, पंडाल इस बार अच्छे से सजाना ताकि भोलेनाथ शिवरात्रि को एक वरदान के साथ एक और वरदान मुफ्त में दे दे। वरदान? कैसा वरदान माँ जी? कुछ नहीं कुछ नहीं, तुम अपना काम करो। और सुनो, जो कुछ कहा था सब लाए हो ना? बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला, कुंती घूम फिर के फिर से वरदान पर आ जाती है। क्या करूं, दिमाग कहीं और लग ही नहीं रहा है। माँ जी, आपने मुझसे कुछ कहा? हाँ, काम करो तुम अपना। मम्मी जी, मम्मी जी, मैं समझदार। मम्मी जी, मैं आपकी परछाई। परछाई साथ साथ चलती है, परछाई सामने बैठ जाती है, क्योंकि सूरज वहां है और परछाई यहाँ। मम्मी जी, मैं आपकी मनपसंद बहू हूँ ना? और मम्मी जी, मैं आपका कितना ख्याल भी रखती हूँ ना? कुछ कुछ। एले वेनु पूर इंप्रेशन है। क्या कहा? अब कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। ये परी तो सबसे पहले पहुंच गई माँ जी को मस्का मारने, ताकि माँ जी शिवरात्रि को पांचों बहुओं में से उसे चुन ले। मुझे पता है तुमने क्या कहा प्रेमा, कि परी मस्का मारने सबसे पहले कैसे पहुंच गई। सोच के देखो, सोच तो मैं भी यही रही हूँ। मम्मी जी, आपको याद है जब आपको सर्दी हो जाती थी और आप अपनी गरम 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 चाय पी रही होती थी, तो आपकी गरम गरम चाय के साथ आपकी सेल्फी निकालता था फोन। मैं। और फिर जब आप सैर करके वापस आती थी भुट्टा खाती हुई, तो आपकी भुट्टे के साथ पसीने वाली सेल्फी निकालता था फोन। मैं। ओह, ये नहीं कि गरम गरम चाय पिला दे अपने हाथ से बनाकर। थकी हारी आई है, पसीना पोंछते सेल्फी का गाना गा रही है। मम्मी जी, ऐसे मत कहिए, मैं खाना भी तो कितना अच्छा बना लेती हूँ। हाँ, अभी दिखाती हूँ। ये देखिए, गोभी आलू। ये देखिए, बैंगन का भरता। और ये देखिए, पकौड़े वाली कड़ी। मम्मी जी, पंजीरी तो घंटों लगा देती है, लेकिन आपको जो भी चीज पसंद हो आप मुझे बताइए, मैं 10 सेकंड में आपके लिए बना दूंगी। मम्मी जी, और तो और मैं कितनी समझदार भी तो हूँ ना, मेरे फोन में जितने भी लोगों का नंबर है उन सब का नाम मैं पढ़ सकती हूँ। मेरी मम्मी का, मेरे पापा का, सल आंटी का, मीनू आंटी का। ओ, तू बाकी बहुओं के गुणकाय गिनवा रही है। मम्मी जी, मैं तो बस इतना कह रही थी कि अगर आपको चुनना पड़े ना, तो आप बस मुझे ही चुनना। चुन लिया, चुन लिया, चुन लिया। ससुमा, बधाई हो, कुसुम की नौकरी की चिट्ठी आई है। कुसुम नौकरी करेगी? हाँ, भूल भुलैया हवेली की चुड़ैल को मुक्ति मिल गई है। अभी वहां नई चुड़ैल चाहिए। बोलो, कुसुम के लिए बात कर लूं या आप कर लोगी? हे हसुमा, आप भी चिट्ठी लिख रही हो किसी को? मेरी डायरी दो। अरे एक मिनट। अरे मेरी डायरी देखने तो दो। मां जी, गाड़ी घर। ओ मम्मी जी, आप बताइए ना, आपको कौन सी चीज पसंद है, मैं अभी आपको अपने हाथ से बना के खिला देती हूँ। अरे ओ अकल की मलिका, इसमें बादाम बना के खुद ही खा ले।
आपके लिए जलेबी बनाऊं? बनाइए। ये लीजिए, खाइए। ये भी कच्चा है, इसको और तलिए, तब तक हम दो चार चिट्ठी बांट के आते हैं। ठीक ठीक। पक जा, जलेबी पक जा। अरे इतना कैसे भाई साहब, आप तो लूटने में ही पड़े हो। हाँ हाँ, भगवान का काम है तो क्या हुआ, भगवान भरोसे तो नहीं छोड़ सकते ना। आप जरा ठीक से हिसाब करके दीजिए। ओ, सोच के देखो। सासुमा, क्या हुआ, फोन पे किसे डांट रही है? देखिए ना सासुमा, अब जिसे घर की सबसे ज्यादा फिक्र हो उसे तो शोर मचाना ही पड़ेगा ना। मुझे तो लगता है अगर मैं हिसाब किताब ठीक से ना देखूँ ना तो कितने पैसे लूट जाए हमारे घर के। हाँ मतलब सासू माँ, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रही हूँ, लेकिन मुझे ऐसे कभी कभी लगता है कि आप बहुत खुश नसीब है कि मुझ जैसी समझदार और गुड़ी बहू मिली है आपको। नहीं देखिए ना सासू माँ, खाना बनाने में क्या है, वो तो कहीं भी बाजार से ला सकते हैं, लेकिन अकलमंदी वो कहीं से मंगवा सकते हैं? नहीं। और सुंदरता का क्या है, वो तो कभी भी ढल जाएगी, लेकिन अकलमंदी वो कभी नहीं ढलती। लेकिन बाकी क्या, भगवान की भक्ति और प्रेम वो तो सबको होता ही है, लेकिन तेज दिमाग सबके पास नहीं होता सासुमा। तू कहना क्या चाहती है पढ़ी लिखी समझदार बहू? यही सासुमा कि वो जो पांच गुण आपको चुनने हैं उसमें से सबसे फायदे वाला गुण मेरे पास है, समझदारी वाला, जो मुझ में कूट कूट के भरा है। हे भगवान, ये तो माजी को पटा के दीदी का पत्ता काटने में लगी है। अलोर एली वेन्यू, तो परी के बाद अब प्रतिभा आ गई माजी को मक्खन लगाने। सासुमा, मुझे एक बात बताइए, एक सास को घर में क्या चाहिए होता है? नहीं, क्या चाहिए? सुख शांति और बचत। बचत सासुमा, बचत। अब देखिए, सुख शांति इंसान कैसे भी ढूंढ ही लेता है, लेकिन बचत नहीं कर पाता। लेकिन सासुमा, आप चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना, ये देखिए। ये देखिए, घर का पूरा बजट बनाया मैंने। आपको पता भी है सासुमा, साल में पूरा 1,00,000 रुपया ज्यादा खर्च करती हैं आप। हाँ, लेकिन सासुमा आप चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना प्रतिभा, पूरा 1,00,000 रुपया बचा के दिखाऊंगी आपको। ये देखिए, इका इश्तेहार है, मेरा कमरा किराए पे चढ़ा के 1,00,000 बचा के देगी मुझे। नहीं नहीं सासुमा, सोच के देखो। अच्छा सासुमा, मैं क्या सोच रही थी, कन्हैया जी दुकान जो जाते हैं तो मोटरसाइकिल की जगह अगर साइकिल पे जाए तो। मोटरसाइकिल भी बेच देगी? बेचूंगी नहीं सासुमा, पेट्रोल की बचत करूंगी। अब देखो, रोज के 100 रुपए के हिसाब से 25 दिन के 2,500 रुपए, तो साल के 30,000 रुपए की बचत सासुमा। तो बचत की बचत और सेहत की सेहत। और सासुमा, डॉक्टर भी कहा करते हैं ना कि रात को हल्की दाल खानी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, दाल में पानी ज्यादा डाला करेंगे। तो देखिए, साल का दाल का भी कई हजार का खर्चा बच जाएगा। आय हाय, बचत की बचत, सेहत की सेहत, क्या कहते हो? ओ, पढ़ी लिखी समझदार बहू, ये क्या बचत की बचत और सेहत की सेहत लगा रखी है तब से? बचत कर रही है या भूखमरी का बजट बना रही है? एक एक कटोरा और दे दे हाथ में। नहीं सासुमा, सासुमा मेरी बात। नहीं 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 सासुमा, नहीं नहीं
तेरे भरोसे छोड़ा तू तो मेरे लल्ला को भूखा ही मार देगी। ना 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 सासू माँ, ऐसा कैसे? मैं तो बस अपनी समझदारी का नमूना दे रही थी आपको। सासू माँ, मैं क्या कहती हूँ, अगर चुनने का मौका आए ना तो समझदारी को ही चुनिएगा। सासू माँ, पांच में से मुझे ही चुनिए, मुझे चुन लीजिए ना सासू माँ। दीदी के लिए मुझे भी कुछ करना होगा। इससे पहले ये अपनी दीदी के लिए कुछ करे, मुझे माँ जी का दिल जीतने के लिए कुछ करना पड़ेगा, ताकि पांचों में से माँ जी मुझे चुने। अजी यार, कहाँ भी मन हुआ, तभी तो अच्छी चाय बनाया कर। इलाके में इकलौता चाय दुकान होने का नाजायज फायदा मत उठाओ, चाय सुधारो, थोड़ी चाय बढ़ा दो और एक नान खटाई हमको दो। पैसे तो सिर्फ चाय के दिए हो ना, तो चाय में कौन सा तुम दूध डाले थे? ए, तो जहर पिलाते हो ना, अगर घर के कोने कोने में छिड़काव करे ना सारे कॉकरोच मर जाएं। दिमाग मत खराब करो हमारा, बता रहे हो नान खटाई हम ऐसे निकाल रहे हैं, हमको निकालने दो। बताओ भाई, अब गरीब आदमी क्या करे है, पगार तो हमारी बढ़ती नहीं है। अगर नान खटाई के भी पैसे हमको देने पड़े तो हम अपनी गर्लफ्रेंड रेशमा के लिए सिकंजी के पैसे कहाँ से बचाएंगे? भाई शर्ट बहुत अच्छी लग रही है। शर्ट नहीं, टी शर्ट है बेटा। तो यहाँ बैठ के चाय की चुस्की ली जा रही है। अरे भैया, इसकी थर्ड क्लास चाय कौन पीना चाहता है, वो तो मजबूरी में पीनी पड़ती है। अबे तुझे रस्तोगी को बुलाने भेजा था और तुम यहाँ नान खटाई पे हल्दी घाटी का युद्ध लड़ रहे हो। अरे हाँ भैया, रस्तोगी जी के घर हम गए थे, उनका लड़का हमको मिला, बोला ठंड थोड़ी कम पड़ रही है, चार दिन बाद पापा स्नान करने गए हैं, थोड़ी देर में दुकान पे आ जाएंगे, ऐसे बोला। ये लो रस्तोगी जी। हाँ रस्तोगी जी, अरे का दुकान पे आते नहीं, फोन उठाते नहीं, और आज तो लड़के ने बताया कि आप नहाते भी नहीं। समझते तो फिर गौर फरमाया आपने हमारी बात पे। अरे बड़े मन से खरीदना चाहते हैं आपकी दुकान, काहे जिद पे अड़े हैं, 10 लाख रुपए ज्यादा मांग रहे हैं, कम कर दीजिए। कन्हैया जी, मैंने जो दुकान का दाम लगाया था वही रहेगा। अरे रस्तोगी जी, आपके भले की ही बात कर रहे हैं, आप ही फायदे में रहेंगे, एक बार फिर सोच लीजिए रस्तोगी जी, बाद में कहीं पछताए ना। सोच लिया, दाम तो यही रहेगा। ठीक है, फिर तो अब आपसे हम महाशिवरात्रि के बाद ही बात करेंगे जी। जय भोलेनाथ। कमरा तो मेरा ही है, इतना अंधेरा और इतनी मोमबत्तियां, बिजली चली गई का? बिजली नहीं गई माँ जी, प्यार आया है। हैं? बेटा, माना कि माँ में बेटे की जान बसती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तू माँ में ही बेटे को देखने लगे। बहू, मैं कन्हैया नहीं, कन्हैया की मैया हूँ। जीती रहे। बेटा,
बहू सास को दूध के साथ ब्लड प्रेशर की गोलियां देती है, हाजमे का चूरन देती है, तू मुझे गुलाब का फूल दे रही है? हाँ माजी, क्योंकि चूरन तो पेट के लिए होता है ना, लेकिन माजी दिल का क्या? दिल का माजी, आज तक मैंने सिर्फ आपके पैर छुए हैं, लेकिन आज मैं आपका दिल छूना चाहती हूँ। और वैसे भी माजी, प्यार सिर्फ महबूब से नहीं, महबूब की माँ से भी उतना ही होना चाहिए ना। और माँ जी, एक बहू के लिए एक सास ही मंदिर, एक सास ही मदीना है, और एक सास ही सर का ताज माँ जी, और सास ही नगीना है, नगीना। और माँ जी एक बात बताइए, सास के बिना जीना भी कोई जीना है? कोई जीना है? अरे प्रेम की दीवानी, कौन सा प्यार का लड्डू खाकर आई है? क्या हुआ है? तुझे पैसे चाहिएगा? माँ जी, मुझे तो बस आपका आशीर्वाद चाहिए। माँ जी देखिए, देखिए क्या कमी है मुझ में। और वैसे भी माँ जी, वो पंजीरी जितना अच्छा खाना बना सकती है ना, उससे कहीं ज्यादा अच्छा खाना मैं बना सकती हूँ। क्योंकि अच्छा खाना सिर्फ मसालों से नहीं, प्यार के छौके से बनता है। और वैसे भी माँ जी, वो प्रतिभा जो सिर्फ किताबें पढ़ती रहती है, क्या कभी किसी का दिल पढ़ पाएगी? भोले, ये कहा हो रहा है? आज एक एक करके सारी बहुएं अपना गुणगान काहे गा रही हैं? सुन, तुम बहुएं क्या कोई चुनाव लड़ रही हो? चुनाव तो आपको करना है माँ जी, फेयर लव बोन शोज। और माँ जी, मैं चाहती हूँ कि ये चुनाव बिल्कुल सही हो। देखिए ना माँ जी, जिंदगी की गलियों में कहाँ आप थी और कहाँ मैं, लेकिन किस्मत ने हम दोनों को एक दूसरे के लिए चुना, ताकि मैं चुन चुन के आपकी सेवा कर पाऊँ, चुन चुन के आपको खुशियां दे पाऊँ, चुन चुन के आपको प्यार कर पाऊँ माँ जी। अरे ओ शोले की लेडी धर्मेंद्र, बस कर, बहुत चुनना हो गया। इतना तो अकबर ने अनारकली को भी दीवार में नहीं चुनवाया होगा। माँ जी, आप चाहे तो मुझे दीवार में चुनवा देना, लेकिन पांचों में चुनने की बारी आई तो आप सिर्फ मुझे ही चुनना। शबू एत्रे सलुई की ये श्वाजी। बेटा, आज तो मुझे तेरी हिंदी भी पल्ले नहीं पड़ रही है, फ्रेंच तो तू रहने ही दे, जा जाके लाइट जला दे, मुझे कुछ ठीक से दिख नहीं रहा है। माँ जी, इसी खुशी में मेरे पास आपके लिए तोहफा है, रुकिए। ये क्या है? मच्छर मारने का स्प्रे? नहीं माँ जी, परफ्यूम है प्यार की खुशबू के लिए। अरे नहीं बहू, तू पहले ही प्यार की बहुत खुशबू फैला चुकी। मैं आपको लगा दूँ? नहीं, नहीं हो रहा है। नहीं, हो जाएगा। तूने सुना मैंने क्या कहा? माँ जी, मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ, कमरा भी साफ कर दूंगी, पानी लेके आती हूँ।